पता नहीं ऊपर वाले की मंशा क्या है। उसके घर में देर है बहू, अंधेर नहीं है। जानती हूँ बाबूजी, और सच पूछिए तो मेरे कान खुशी की खबर सुनने के लिए तरस गए हैं। हाँ बहू, मेरा भी यही हाल है, लेकिन मैं किससे कहूं, किसे अपना दुख सुनाऊं। मगर बाबूजी, उस पत्नी को आप क्या कहेंगे जो अपने पति के बगैर पल पल टूट रही है। वो माँ, वो पत्नी आखिर कब तक झूठी उम्मीदों के सहारे जिएगी कि शायद शायद कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबूजी, हर रोज कोई ना कोई होने वाला हादसा उम्मीदों पर पानी फेर देता है, और हर नया दिन नई उम्मीदों के साथ शुरू होता है। मगर वो रोशनी शाम होते होते धुंधली क्यों पड़ जाती है बाबूजी? घबराओ मत बहू, हमारी जिंदगी पर छाया ये अंधेरा जल्दी ही दूर हो जाएगा, और फिर हमारे पुराने दिन लौट आएंगे बहू। हाँ बोलो। नहीं, अच्छा ठीक है, हाँ मैं ऑफिस से निकलूंगा तो उनसे मिलते हुए आऊंगा। हाँ मैं बात कर लूंगा उनसे। अरे बाबा खाना खा लूंगा मैं, अभी तक खाया नहीं हूं, खा लूंगा मैं। अच्छा रे रागनी कहाँ? ओके अच्छा बाय। आकाश मोनी, ये क्या है? तुम मेरा तो फोन नहीं उठाते हो, और इस वक्त किससे इतनी जरूरी बात कर रहे हो? आंचल, तो आंचल से बात की जा रही है। जब मैं तुम्हें फोन करती हूँ तो मेरा तो फोन नहीं उठाते हो, जैसे कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। लगता है तुम्हारे लिए वो मुझसे भी ज्यादा जरूरी हो गई है। मोनी क्या कह रही हो? ये शक करने की आदत तुम्हारी कब जाएगी? किसी ने सच कहा है, दुनिया में हर बीमारी का इलाज है लेकिन एक शक का इलाज कुछ नहीं। तुम्हारे अलावा मैं आज तक किसी के बारे में सोचा ही नहीं, और ये तुम जब देखो लड़ती रहती हो। अरे पापा अब शक करना छोड़ दो। आकाश, जो तुमने कहा क्या ये सच है? हाँ मोहनी, ये बिल्कुल सच है, और एक तुम हो कि मुझ पर यकीन ही नहीं, और दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मोहनी तुम अपने शक का इलाज कराओ, हमारे तुम्हारे बीच एक प्यार का रिश्ता है, अगर इस रिश्ते पे ही तुम्हें भरोसा नहीं है तो फिर तुम्हें क्या बोलूं मैं। मोहनी आंचल मेरी दोस्त, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आकाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस मैं इतना ही जानती हूँ, और तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आए ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। चलो मेरे साथ। अरे क्या कर रही हो?
खाना खाने से पहले तुम पहले ही अपना मुंह चपट चपट चलाने लगे। तुमको समझ में नहीं आता कि सब लोग यहाँ परेशानी में बैठे हैं और तुम हो कि ठूसे जा रहे हो। क्यों बैठे हैं? भैया खाना खाओ। खाना ना खाने से गया पैसा थोड़ी वापस आ जाएगा। जो होना था वो होगा। ये तो हम लोग भी जानते हैं कि गया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन लेकिन का भैया? अरे इतने पैसे आएंगे कहां से? कहां से आएगा मतलब? भैया भगवान पे भरोसा रखो। वही परेशानियां देता है तो वही परेशानियों से निकालता है भगवान। भैया रात दिन आप लोग माता रानी चिल्लाते रहते हो। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा भी माता रानी पे विश्वास नहीं है। एक हम हूं जो माता रानी पे विश्वास करता हूं। माता रानी हमारा फरियाद जरूर सुनेंगी। आठ करोड़ रुपया हम लाके दूंगा। अभी हम जिंदा हूं ना। हमारा अम्मा हम हो। हम आपको पैसा लाके दूंगा। कहां से लाओगे इतना पैसा? बैंक लूटोगे या किसी के घर में डाका डालोगे? सोचना तुहार काम नहीं है। वो सोचना हमार काम है। हम जो बोलता हूं वही करता हूं। लेकिन देखा ये कोई 10-20 हजार की बात नहीं। आठ करोड़ रुपया तुम कहां से इकट्ठा कर पाओगे? इतना तो हम भी नहीं कर पाएंगे। अरे आप विश्वास रखिए दादाजी, हम आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे। और अगर टूट गया तो जाना तो ना कि हम तुम्हें भी तोड़ देंगे। हे हंटर रानी, हम पर काबू रखो और ये हंटर पर भी। पनकानो दिन हम तुम्हार हंटर को तोड़ दूंगा। अब भैया अब हम खाना नहीं खाऊंगा। हमारा पेट भर गया। अब हम चलता हूं। भूखा है ना, हमका पैसे का इंतजाम करना है। बाबूजी,
प्रेम इतना रुपया कहां से लाएगा? और वैसे भी उसकी याददाश्त तब तक आई नहीं। खाना न खाकर ऋषि तुम प्रेम के भरोसे का अपमान करोगे, उसकी हिम्मत को तोड़ोगे। वो इस घर का बच्चा है और मैं खाना न खाकर उसके विश्वास का अपमान नहीं करना चाहता। चलो सब लोग खाना खाओ, चलो बहू खाना खाओ। क्या पोतली, हमको वह खाना तुम्हारे बाप परोसेंगे? जाने मन जाने जिगर जाने तमन्ना जाने गुलफाम, आई लव यू आई मिस यू, कहां पर वहां, जल्दी से आ जाओ मेरे पास। क्या हाँ? दुबई में कब से? एक महीने से। अरे तेरी तो लॉटरी निकल गई है। अच्छा किसी शेख को बाटली में उतारा है आ? चल बोल कब तक है तू? एक हफ्ता? अरे नहीं 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 ऐसा मत करे, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बहुत मिस कर रहा तुझे। फटाफट फटाफट फ्लाइट पकड़ कर पहुंच जा। ओके जावेद भाई, मंगल भाई ने कहा है भैरव का क्या हुआ, फोन किया उसे? अरे 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 मैं दिमाग से निकल गया, फोन लगा था उसने। हेलो, अरे कौन बोल रहा भैया? हाँ भैरव, जावेद बोल रहा हूँ। जावेद? अरे कौन जावेद भैया, हम कौन उस जावेद आवेद को नहीं जानता हूँ। अरे भैरव मैं जावेद, मंगल तुम्हारा पार्टनर। हमारा पार्टनर? हाँ भैया याद आया याद आया, वो कहा है ना अपनी याददाश्त तनिक खराब हो गई है, माफ कर दिएगा जावेद भाई। अरे अरे ठीक है ठीक ठीक, अभी बताओ उस काम का क्या हुआ? कौन? वो झाड़ू फेरने वाला का? हाँ वही, तुमने काम किया क्या? बस ये समझो जावेद भाई, काम तो हो ही गया था मगर 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 क्या, किसी ने तुम्हें देखा क्या? नहीं किसी ने नहीं देखा था, वो तो हम सबको बेहोश कर दिया था। फिर? अरे फिर का, उस अलमारी में जो लॉकर है वो चाबी से नहीं खुलता है, वो नंबर से खुलता है। अब वो का नंबर या तो बाप जानता है या फिर वो का बेटा। अब बचा बेटा, वैसे हम आ ही रहा हूँ, का समझे जावेद भाई? हाँ समझ गया भैरव, कुछ जल्दी से यहाँ पर आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है जावेद भाई, मंगल को बोल दे मैंने भैरव से बात कर लिया, वो आ रहा है पर। ठीक है जावेद भाई। हाँ ये भैरव करता क्या है? अपने आप को बहुत बड़ा शातिर समझता है ना तू, तो का वहां आकर बताता हूँ। अरे तोहर तू हाल करूंगा कि तो का पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा, मां कसम। क्या कह रहे हो पवन, प्रेम अगर मंगल की कैद में है तो फिर यहाँ यहाँ घर में कौन है? उसका हमशक्ल। मेरे साथ क्या क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मेरा छोड़ो, प्रेम और प्रेम के घर वालों के साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कोई सोच समझ कर सारी चाने चल रहा है।
शिवानी, आज न्यूज देखी तुमने? नहीं, क्यों? ऐसा क्या दिखाया? रोज तो वही न्यूज होती है, इसके सिवा दिखाते क्या है? नहीं, आज एक ऐसी न्यूज आई है जो पहले कभी नहीं आई। आज जो न्यूज आई है वो किसी मलखानी वकील के बारे में। वो बहुत पैसे वाला वकील था और आज सीबीआई ने उसके घर पर छापा मारा जिसमें से उन्हें करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद हुई। कहते हैं वो इतना रुसूखात वाला वकील था कि जिसका भी केस हाथ में लेता था 100% जीत के दिखाता था। उसकी ये गारंटी थी कि अगर वो केस ना जीत पाए तो उसके डबल पैसे वापस करेगा। इस तरह उसने करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन ऐसा नहीं था कि मलखानी झूठ बोलता था। अगर वो किसी का केस हाथ में लेता था तो उसे जीतता भी था। कहते हैं कि उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत ऊपर तक थे। हाँ, शिखा आंटी ने भी किसी मलखानी नाम के वकील को 8 करोड़ रुपए दिए थे अंकल का केस लड़ने के लिए। शायद ये वही मलखानी वकील होगा। और तुम तो जानते हो उन 8 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए मैंने दिए थे। मोहिनी, कहाँ से आ रही हूँ? आकाश एक घर गई थी, उसकी बहन रागिनी बहुत अच्छी है, उसे खाना बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है और उससे मैंने आज आलू का पराठा बनाना सीखा है। मैं आप लोगों को ना बना कर खिलाती हूँ। ठीक है बाबा, ठीक है, बना देना। मोहिनी, 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 पवन, मोहिनी क्या हुआ? मोहिनी, मोहिनी क्या हुआ? मोहिनी, मोहिनी क्या हुआ तुम्हें? मोहिनी देखो ना पवन, क्या हुआ? मोहिनी उठाओ इसे। मोहिनी, मोहिनी क्या हुआ? मोहिनी, मोहिनी आँख खोल। मोहिनी पवन देखो ना, मोहिनी आंखें नहीं खोल रही। मोहिनी क्या हुआ? मोहिनी तू ठीक तो है ना? मोहिनी जी दीदी, मैं ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे होश आ गया। मैं तो घबराई गई थी। मेरी बहन तू ठीक तो है ना? तू बेहोश क्यों हुई थी? शायद कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ होगा। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तू कहती है तो मान लेती हूँ, लेकिन अगर कुछ भी हुआ तो सबसे पहले तू मुझे बताएगी। जी दीदी।